पंजाब में गठबंधन को लेकर अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। आखिर पंजाब में गठबंधन पर अमरिंदर सिंह ने क्या कहा है? आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने को लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। पार्टी आलाकमान को उन्होंने दो टूक कह दिया कि आगामी चुनावों में पार्टी की प्रदेश इकाई कोई भी राजनीतिक गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस आलाकमान से साफ कर दिया है कि आगामी चुनावों में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और उसे किसी के साथ गठजोड़ करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश की सभी 13 लोकसभा सीट जीतने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का सवाल है तो ये फैसला लेना पार्टी आलाकमान का काम है, लेकिन पंजाब में पार्टी को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। अमरिंदर सिंह के मुताबिक उन्होंने इस बाबत अपने कैबिनेट मंत्रियों से राय ली थी। सभी ने एक सुर में कहा कि कांग्रेस को राज्य में किसी और पार्टी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है और वो खुद ही राज्य में लोकसभा चुनाव जीतने में सक्षम है। इससे पहले इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें पार्टी से जुड़े मुद्दे, खासतौर पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में पार्टी के सीनियर नेता अहमद पटेल, एके एंटनी, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद मौजूद रहे। वहीं पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस ऐलान से आम आदमी पार्टी को जोर का झटका लगा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी। दिल्ली में आपके मंसूबों को प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पहले ही झटका दे चुके थे और अब पंजाब के सीएम ने भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इंडिया न्यूज़ वैली की रिपोर्ट।